बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल सीमा होम किचन। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त सीमा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सुभान से ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान और पनाह में सेफ और महफूज रखें। आमीन और सुम्मा आमीन। आज अभी जो है मेरी बेटी साहबा ने मैसेज किया कि मैं उनके लिए ब्रंच बना दूँ, क्योंकि उनकी क्लासेज हो रही हैं और वो 12:30 पे फारिग होंगे, तो उन्होंने उससे कम हम ईजी वे पे मैं उनके लिए कुछ बना दूँ। तो मैंने सोचा चले मैं वर्कर पराठा बना देती हूँ उनके लिए, साथ में ऑमलेट। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि वर्कर पराठा वो अमूमन वाइट ब्रेड वाइट आटे से बनाते हैं, मैदे से बनाते हैं, पर मैं हमारे यहाँ ज़्यादातर होल व्हीट यूज़ होता है, मैदा हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, तो बहुत कम मैदा इस्तेमाल होता है। हम लोग अमूमन रमज़ान में भी समोसा वगैरह जो है मैं इसी होल व्हीट आटे से ही बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं पसंद करते इतना वाइट आटा खाना। तो मैंने रात के लिए भून के रखा था, रात में मैंने रोटी बनाई थी तो वही आटा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं इसी से उनके लिए बना देती हूँ, साथ साथ आपके लिए भी एक रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ के होल व्हीट आटे से भी बहुत ही मज़े का यम्मी सा बर्फी टाइप का पराठा बना सकते हैं। तो आटा वही नॉर्मल जो हम भूनते हैं मैंने वो भूंदा था, और यहाँ पे मेरे पास दो पराठे का आटा बचा हुआ है। अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप ऑयल में बनाना चाहें या घी में बनाना चाहें। बच्चों को मैं बटर या घी इस्तेमाल कर लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं तो उनके लिए घी और बटर सही है। तो मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा आटे पे खुश्की लगा देंगे, ऐसे ऐसे छिड़काव कर देंगे, छिड़कना है जनाब। इसको इस तरह से बंद किया, इसको इस तरह से किया, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। इसके बाद इसको आप इस तरह से कर दीजिए और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, क्योंकि ये मैदा नहीं है तो बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं खींच सकेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप गोल बना लिया, इसको यहाँ से ऐसे चिपटा करके एक तरफ रख दीजिए। हम अभी से दूसरे आटे से भी हम यही करेंगे, इसी तरह हम दूसरे आटे का भी बनाएंगे। जैसा पेड़ा ले लिया, इसको भी हमने इसी तरह गोल गोल, अभी आपको जरूरत नहीं कि आप गोल ही बेलें, आप किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं, चाहे गोल बेल चकोर हो जाए, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी फिर शेप दे नहीं है। ये देखिए ये रेडी हो गया गोल। अब इसमें भी हम इसी तरह घी लगाएंगे, इसमें सफेद आटा इस तरह से हल्का हल्का छिड़क देंगे। एक पार्ट ऐसे, इस पे भी हम इसी तरह आटा छिड़केंगे, और अब हम एक पार्ट ऐसे लेंगे। इसको हम फिर थोड़ा सा बड़ा करेंगे हाथ से, क्योंकि ये मैदा नहीं है तो बहुत ज्यादा ये बड़ा नहीं हो रहा है, लंबा नहीं हो सकता, मैदा होता है तो वो खींचा जाता है, और ये चूंकि होल व्हीट आटा है तो ये इतना आपका खींचेगा नहीं। अब ये जो हमने पहले वाला जो हमने इसमें किया था ना, उसी उसको दोबारा हम इसमें रखेंगे और इस तरह हम उसको रोल बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए
हमने दोबारा रोल बना लिया, ये इस तरह से हमारा एक रोल बन गया। ठीक है, अब ये रोल बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बीच से काट देंगे। ये देखिए, जब हमने बीच से इसको काटा तो आप ये देखिए कितना अच्छा इसका परत तैयार हो गया। अब इसका परत देखिए कितना लेयर इसमें आया हुआ है, राइट। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो लेयर वाला पार्ट है हम उसे नीचे रखेंगे और इसको हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे। और इसको आप चाहे तो हाथ से प्रेस कर करके इसको आप बना लीजिए। ये देखिए हाथ से बेल लेंगे, बहुत ही हल्के बेलिएगा, तेज नहीं कीजिएगा वरना फिर लेयर खत्म हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के बेल लीजिए। ये देखिए जी जनाब, ये एक पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। हम इसे एक तरफ रख लेते हैं, अब हम दूसरा पराठा बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। पहले आप हाथ से थोड़ा बड़ा कर लीजिए, फिर इसको आप हल्के हल्के पहले की तरह बेल दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लेयर आप देख रहे हैं। इसी तरह हम दोनों पराठे पराठा तैयार कर लेंगे बेल कर। यहाँ फ्राई पैन मेरा गर्म हो चुका है, एक तरफ हो गया है, तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। देखिए कि अभी से इसका लेयर कितना ज्यादा निकल रहा है और ये कितना आसान है। रमजान में सेहरी के वक्त का बेस्ट नाश्ता होता है, जब हम सेहरी के वक्त सुबह का नाश्ता बना रहे होते हैं तो बेस्ट होता है कि एक 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 करके आप बनाए। इससे बेहतर है कि आप ये बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने बेला है, बेलने के बाद हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए और ये कितना अच्छा इसका वर्क उठ रहा, आप ये देखें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके एक ही किस्म में जब ये घी जाएगा और ये फ्राई हो रहा है साथ साथ, तो इतना मज़ेदार यम्मी सा ये पराठा बनके बन जाता है। आप इसको किसी चीज़ में भी, सुबह सेहरी के लिए तो बेस्ट है कि सेहरी में आप इसको आराम से चाय के साथ, कबाब के साथ, इन सब चीज़ों के साथ लीजिए, आपको बहुत अच्छा मज़ेदार लगेगा। अब हम इसे उलट लेंगे। देखिए इसे हमने उलट लिया, आप ये इसका ये देखें वर्क निकलता हुआ देखें कितना ज़बरदस्त है। बस इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से सेकते जाइए ताकि जो है इसमें एयर भरेगा, जितना ज़्यादा इसके अंदर एयर जाता है उतना ही ज़्यादा इसका पफ बाहर आ जाएगा। जी देखिए, अब आप देखें इसके लेयर, देखिए ये देखिए, जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसके लेयर निकालिए, बहुत ज़बरदस्त मेरे लेयर निकलेगा। अब हम ये दूसरा वाला भी डाल देते हैं। अब इसको हम हाथ से हल्का हल्का सेकेंगे, इसके अंदर एयर आए, जितना ज़्यादा एयर उतना ज़्यादा वर्क। देखिए अब हमने इसमें घी लगा दिया है और इसको उल्टेंगे ताकि हम यहाँ से
फ्राई कर सके। आंच मीडियम पे रखिए, तेज मत कीजिएगा। अब इसके हम यहाँ पे भी घी लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये वर्क तैयार हुआ है। इसे हमने पलट लिया, अब हम नीचे वाला जो है उसको फ्राई कर रहे हैं, नीचे का पार्ट जो है उसको फ्राई कर रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी देख लीजिए, ऐसा ना हो कि फ्राई होने के चक्कर में जल जाए। अगर आपको लगता है घी कम है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखिए देख सकते हैं इस बर्फ के पराठे में कितना वर्क है, और ये होल व्हीट से बना हुआ है। आप इसको, मैंने कहा था कि मैं अंडे का खागिना बना रही हूँ, कि बस ये मैंने अंडे का खागिना बना लिया है। बर्फ के पराठा और अंडे का खागिना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बर्फ के पराठा और सुबह आप अंडे के खागिना के साथ दीजिए, या फिर आप कबाब के साथ दीजिए, बहुत मज़ेदार है, यम्मी सा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़्यादा भारी नहीं होगा, क्योंकि मैदा थोड़ा भारी कर देता, वाइट आटा या मैदा वो थोड़ा भारी करता है, लेकिन होल व्हीट जो है वो भारी नहीं होता। आप इसे खा सकते हैं, तो बनाइएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।